Hello chess lovers and my friends, welcome to the chesslessons.com and the 12th episode of chess tactics. So aaj ka hamara jo topic hai wo hai overload. To sabse pehle overload hota kya hai, hum uski definition ko samajh lete hain. To overload yani ki jabki koi ek hi piece ek se zyada piece ko defense ya ek se zyada cheez ko defense kar raha hai to wo piece ko overloaded piece kahenge. Jaise ki black ka knight yahan pe rook and pawn ko defense kar raha hai, dono ko defense kar raha hai, matlab ki hum knight ko overloaded piece kahenge. Ab hum jis dono piece ko wo defense kar raha hai usme hum ek ko capture kar lenge. Jaise ki yahan pe bishop cross e6 capture kar lenge to knight ka dhyan hum yahan se divert kar sakte hain and ab hum is dusre piece ko hum capture kar sakte hain. Yani ki जो ये ओवरलोडेड पीस है, जो दो पीस को एक से ज्यादा पीस को डिफेंस कर रहा है उसमें से हम एक पीस को कैप्चर कर लेंगे तो उसका ध्यान उसकी तरफ हम डाइवर्ट कर सकते हैं एंड हम दूसरे पीस को कैप्चर कर सकते हैं. यही चीज हम एक और एग्जांपल से समझते हैं. तो जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हो कि यहाँ पे वाइट टू मूव है एंड क्वीन उसके रुख पे मतलब कि ब्लैक के रुख पे अटैक कर रही है, लेकिन हम इस रुक को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि वो किंग से प्रोटेक्टेड है. लेकिन किंग सेम टाइम में इस पॉन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है. आप इस पॉन को देख सकते हो कि ये पॉन को भी किंग ही प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे किंग ओवरलोडेड पीस है. तो हम दोनों में से मतलब कि ये जो दोनों एक पॉन या फिर रुक में से किसी एक चीज को कैप्चर करके हम किंग का ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा मूव होगा बिशप क्रॉच h7 चेक एंड हम सिंपली इस रुक को कैप्चर कर सकते हैं. होप सो कि आपको ओवरलोडिंग होता क्या है ये आसानी से पता चल गया होगा क्योंकि इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको रियल गेम में अप्लाई करना इतना ही टफ है जितना उसको समझना आसान है. तो हम इसके बेस पजल सॉल्व करते हैं. तो आज का हमारा फर्स्ट जो पजल है वो थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट ही रखे है आज के सारे पजल. तो इस पजल के अंदर ब्लैक टू मूव है एंड आपको ब्लैक की बेस्ट पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है. तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड बेस्ट पॉसिबिलिटी फाइंड कर सकते हो. अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पजल में है क्या. एक्चुअली आप इस रुक को ध्यान से देखोगे तो ये जो है वो पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन सेम टाइम अगर ये क्वीन हमारी जो क्वीन है वो इस पॉन को कैप्चर कर लेती है तो एक्चुअली व्हाइट का जो किंग है वो चेक एंड मेट है क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इस बिशप ने ब्लॉक कर रखा है, मतलब कि व्हाइट का किंग कहीं भी मूव नहीं हो सकता. तो होप सो कि आपने फाइंड किया होगा रुक टू e1 जो कि इस जो ओवरलोडेड पीस है उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है एंड जिसे इस रुक को टेक कर सकता है वो उसको मूव नहीं कर सकता क्योंकि सामने का किंग है एंड हम सिंपली व्हाइट के किंग को चेक एंड मेट कर सकते हैं. आप देख रहे हो कि व्हाइट का किंग कहीं भी मूव नहीं हो सकता. तो आज का हमारा दूसरा पजल, तो इस पजल के अंदर व्हाइट टू मूव है एंड आपको व्हाइट की बेस्ट पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पजल है, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड बेस्ट पॉसिबिलिटी फाइंड कर सकते हो. आप जरा ध्यान से देखोगे इस पजल में तो ये जो पीस है ये पीस यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये जो पीस है वो ओवरलोडेड पीस है यहाँ पे. अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहते हो तो हम बारी बारी हर एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम बारी बारी सभी पॉसिबिलिटी को ध्यान से देखते हैं. तो सबसे पहला हमारा जो मूव है वो बहुत बिशप क्रॉस f5, मतलब कि अब उसके पास टंस ऑफ पॉसिबिलिटी है कि वो पॉन से सबसे पहले बिशप को कैप्चर करे जो कि सबसे खराब पॉसिबिलिटी है, वो कैसे हम अब देखते हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो रुक से पॉन को टेक कर ले एंड तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो क्वीन को g7 पे मूव अटेंड करे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉन से अगर वो कैप्चर करता है तो सिंपली हम क्वीन से किंग को चेक दे सकते हैं एंड अब उसके पास सिर्फ एक ही मूव है एंड आफ्टर वन मूव वो चेक एंड मेट है. अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं कि अगर वो
रुक से यहाँ पे क्या चेक देता है, मतलब कि अभी वो चेक दे रहा है रुक से, तो हम सिंपली क्वीन से इसको कैप्चर कर सकते हैं। हम पॉन से कैप्चर भी कर सकते हैं, क्वीन से भी कर सकते हैं, एंड आफ्टर क्वीन क्रॉस बिशप हम सिंपली इसको चेक एंड मेट फिर से कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि वो अब चेक एंड मेट है। आप देख सकते हो कि अब किंग चेक एंड मेट है। तो अब हम हमारा थर्ड और सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी की कि ब्लैक के पास सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आफ्टर बिशप क्रॉस F5 इसकी बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो क्वीन को G7 पे अटेंड करे एंड हम सिंपली इस बिशप को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक व्हाइट के हम फर्दर मूव देखें तो व्हाइट का सबसे बेस्ट मूव है क्वीन टू C3 एंड अब हम यहाँ से उसको चेक दे सकते हैं। एक यहाँ से चेक दे सकते हैं, दूसरा यहाँ से चेक दे सकते हैं। अब वो कौन सा मूव अटेंड करता है ब्लैक उस पर डिपेंड करता है एंड वो जल्द ही चेक एंड मेट भी है, मतलब कि एक ही मूव में वो चेक एंड मेट भी है। पर उसको लॉन्ग टाइम अगर गेम चलानी थी तो सबसे बेस्ट था कि वो क्वीन को G7 पे अटेंड करे एंड हम रुक को यहाँ से कैप्चर कर ले। ओके, तो होप सो कि आपको ओवरलोडिंग किस प्रकार से वर्क करता है एंड ओवरलोडेड पीस किसको कहते हैं वो आपको पता चल गया होगा। अब हम हमारे आज के थर्ड पजल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पजल है जिसमें ब्लैक टू मूव है एंड आपको ब्लैक की बेस्ट पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है। होप सो कि आपने फाइंड किया होगा रुक क्रॉस F2। अगर आपने फाइंड किया है रुक क्रॉस F2 तो आपने बिल्कुल सही मूव फाइंड किया है, क्योंकि इस पोजीशन के अंदर आप देख सकते हो कि क्वीन यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पीसेस को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर हम इसमें से रुक को निकाल दे तो वो 2 पीसेस को प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब कि यहाँ पे क्वीन ओवरलोडेड पीस है। मतलब कि अगर हमने क्वीन को रिमूव कर दिया तो हम सिंपली इस बिशप को कैप्चर कर सकते हैं। तो क्वीन को हमको रिमूव करना है। अभी हम इस पोजीशन की तरफ देख लेते हैं। तो हमारे पास है 2 और 2 रुक, अपोनेंट के पास भी है 2 रुक, 1 क्वीन वर्सेस 1 क्वीन, 1 बिशप वर्सेस 1 बिशप एंड हमारे पास अगर हम पॉन्ट काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड उसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि टोटली हमारी जो पोजीशन है वो इक्वल है। तो हम इस पजल को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। तो रुक क्रॉस F2, क्वीन क्रॉस F2, क्वीन क्रॉस F2, बिशप क्रॉस F2 प्लस किंग क्रॉस F2 एंड आफ्टर रुक क्रॉस D2 चेक, हम सिंपली जो है कि पॉन अप हो जाएगी, क्वीन का किंग कहीं भी मूव करेंगे एंड हम सिंपली सिर्फ 1 पॉन अप हो गए। लेकिन हमको 1 पॉन अप होने के लिए क्या करना पड़ा, शायद आपको इस पजल से आइडिया आ चुका होगा कि एक एक पॉन की कीमत कितनी होती है एंड एक पॉन को कैप्चर करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है हमको, हमें कितना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है एंड क्या कुछ करना पड़ता है। तो ये पोजीशन को फाइंड करना, मतलब कि ये इस तरीके से फाइंड करना पजल को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसी प्रकार के पजल सॉल्व करते रहेंगे तो आप एक एक पॉन की कीमत भी जान जाएगी, मतलब कि वैल्यू ऑफ वन सिंगल पॉन एंड उसको किस प्रकार से हम कैप्चर कर सकते हैं वो भी आप जान जाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट पजल जिसमें व्हाइट टू मूव है एंड आपको व्हाइट की बेस्ट पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है। आप फिर से यहाँ पे पीसेस काउंट कर सकते हो कि दोनों के पास इक्वल पीसेस है एंड दोनों की पोजीशन भी ओवरऑल सेम ही लुक लाइक सेम ही है। तो यहाँ पे आपको व्हाइट की बेस्ट पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट पजल क्यों था, इसमें भी हम सिर्फ एक ही पॉन अप हो रहे हैं, कि ये पजल थोड़ा सा डिफिकल्ट है फाइंड करना कि कैसे हम प्लस हो रहे हैं। वीडियो पॉज करके यहाँ पे व्हाइट की पॉसिबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे रुक जो है वो ओवरलोडेड पीस है। ऑप्शन के आपने फाइंड किया होगा कि रुक क्रॉस F7, आफ्टर रुक क्रॉस F7 वी कैन सिंपली टेक Bishop on C8। अब उसकी क्वीन पे अटैक है तो उसका बेस्ट मूव है कि वो क्वीन को F6 पे अटेंड करे। F6 पे अटेंड करते ही आप देख सकते हो कि उसको अब ये पॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, मतलब हम सिंपली इस पॉन को टेक कर सकते हैं।
एंड उसका जो ये रुक है वो पिन हो चुका है। अब क्वीन क्रॉस F2, हमको वो चेक देगा, उसको इस रुक को बचाना है, मतलब वो हमको चेक देगा। हमारे पास मूव है किंग टू H1 एंड आफ्टर रुक टू H5, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, का तो हम इस रुक को टेक करें या फिर हम इस रुक को टेक करें। अगर हम इस रुक को टेक करते हैं तो सिंपली वो रुक से हमारा जो बिशप है उसको टेक कर लेगा। एंड अगर आप देख सकते हो कि क्वीन के पास यहाँ पे अटैक कर रही है क्वीन, रुक एंड क्वीन एक लाइन पे है एंड हमारा जो नाइट है वो बहुत ही पीछे पोजीशन पे है, मतलब कि वीक पोजीशन पे है, मतलब कि हमने जो पॉन एडवांटेज लिया था अब अभी हम एक पॉन प्लस है, तो हम वो पॉन लॉस हो जाएगी क्योंकि हमको चेक एंड मेट बचाना है। क्योंकि अगर हम रैंडम मूव अटेंड करते हैं जैसे कि हम इसको बचाते हैं तो क्वीन टू F1 रुक क्रॉस F1 एंड रुक क्रॉस F1 हम चेक एंड मेट हो जाएंगे, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम इस नाइट को बचा नहीं पाएंगे। तो हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है कि हम इस रुक को टेक करें, पर हमको वो क्वीन से टेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बिशप से टेक करेंगे तो वो हमारा जो बिशप है वो इस रुक से टेक कर सकता है, मतलब कि उसको हमको पिन ही रखना है, वो अभी पिन है। तो क्वीन क्रॉस रुक ऑन F5, क्वीन क्रॉस F5, बिशप क्रॉस F5 एंड रुक क्रॉस F5। अब आप काउंट करेंगे तो हमारी जो पोजीशन है वो प्लस है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक पॉन हम अप हो चुके हैं एंड हमारे सभी पॉन प्रोटेक्टेड है आफ्टर क्वीन किंग टू G1। याद रखिए कि ये मूव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमने ये मूव अटेंड ना करके कोई भी रैंडम मूव अटेंड किया कि लाइक दिस, तो उसका जो रुक है वो 8th रैंक पे आ सकता है, हमारे सॉरी 7th रैंक पे आ सकता है, एंड हमारी 7th रैंक जो है वो बहुत ही वीक हो गई है। आप देख सकते हो कि जैसे ही वो ये मूव अटेंड करेगा वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, हम कैप्चर करेंगे, वो हमारा रुक पॉन कैप्चर करेगा एंड हम जैसे इस नाइट को बचाएंगे वो हमारा दूसरा पॉन कैप्चर करेगा एंड इसको पास पॉन बना देगा। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो अब का मूव हो वो किंग टू G1 हो। होप्स हो कि आपका आज का ये लेक्चर ने आपको बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको इसी प्रकार के वीडियोस देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कल से हमारी चेकमेट सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम 1 queen 1 rook 2 bishop and 1 bishop with 1 knight हम कैसे चेक एंड मेट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं, तो उस सीरीज को देखना मत भूलिएगा।